यांना भेटा. या आहेत विराली मोदी. वयाच्या 15व्या वर्षी तिला अर्धांगवायू झाला. अर्धांगवायू झाल्यामुळे तिच्या समोर आतापर्यंत अनेक अडचणी आल्या. मात्र ज्या दिवशी तिचं लग्न होतं तेव्हा जे घडलं ते कोणासोबतही घडू नये असं विराली मोदी म्हणते. या घटनेबाबत सोशल मीडियावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा जाहीर माफी मागितली. विवाह नोंदणीसाठी विराली मोदी खार रजिस्ट्रार कार्यालयात गेली होती तेव्हा जे घडलं त्याबद्दल ती काय सांगते ऐका. शादी के दिन, हाँ आपने सही बोला, शादी के दिन एक्चुअली बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी का माहौल होता है. वो दिन बहुत सैडनेस फील किया, बहुत निराश हो गई थी मैं. एक्चुअली हुआ ये था कि 16 अक्टूबर को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, हम लोग खार रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे. हमने पहले से अपॉइंटमेंट ले ली थी और उनको ये भी बताया गया था कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं चल नहीं सकती. किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि ऑफिस एक्चुअली दूसरे माले पे है और लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में. मैं जैसे पहुंची तभी क्षितिज, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑफिस तो सेकंड फ्लोर पे, लिफ्ट नहीं है. तो मैंने विनती करी कि आप जाके ऊपर पूछो जो ऑफिसर है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करो कि वो नीचे आके सिग्नेचर ले ले. वो ऑफिसर ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, आपको उनको लेकर ही आना पड़ेगा चढ़ा के दो माला. किसी ने हेल्प भी नहीं करी हमारी. और ऑफिस जो थी वो पुरानी बिल्डिंग में, सीढ़ियाँ एकदम ऊंची ऊंची और एकदम नैरो स्टेयरकेस. मेरे दोस्त क्षितिज सब मिलके व्हीलचेयर के साथ मुझे उठाकर लेकर गए. और क्वाइट ऑनेस्टली मैं डर रही थी. मुझे ये डर था कि अगर कोई भी स्लिप हो गया, वो भी गिरेंगे, मैं भी गिरूंगी. मतलब आप ही सोचो ना, किसी को ऐसा डर रहना चाहिए अपनी शादी के दिन पर? अगर मैं गिर गई तो क्या होगा? हम लोग नीचे आए, हमने कुछ भी बातें नहीं करी, हम नीचे आए. और तब भी मैंने सोच लिया था कि इसके बारे में मुझे तो अपनी आवाज़ उठानी है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो शायद किसी और के साथ भी हुआ होगा. देखो, सबसे बड़ी बात मेरे लिए, माफ़ी से काम नहीं चलेगा. मेरे लिए ये है कि वो रजिस्ट्रार या फिर वो जो ऑफिसर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, उन्होंने जो किया वो किया, उनको कर्मा है वो देख लेगा. मेरे लिए ये है कि हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एक्सेसिबल क्यों नहीं हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स है और जिनको डिसेबिलिटी है उन लोग के लिए अलग प्रोविजन क्यों नहीं है? मेरे लिए वो लोग नीचे क्यों नहीं आए थे? क्यों मुझे दो माले तक ऊपर चढ़ा के लेकर जाना पड़ा? मेरी मांग अभी यही है गवर्नमेंट से. आपने लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, लॉ इन प्लेस है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, तो ऐसी सिचुएशन हुई ही क्यों? और अभी जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल क्यों नहीं है? आपने टाइमलाइन दी रखी है तो आप क्यों उसको फॉलो नहीं कर रहे हो? सरकारी इमारतींमध्ये बहुतांश ठिकाणी लिफ्ट नसल्यामुळे दिव्यांगांना अडचण येते. खार रजिस्ट्रार कार्यालयात देखील लिफ्ट नसल्यामुळे विरालीने अधिकाऱ्यांना विनंती केली की खाली येऊन विवाह नोंदणीची पुढची प्रक्रिया पूर्ण करा. मात्र तिच्या या विनंतीला अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही आणि तिला सांगितलं गेलं की तुम्हाला दुसऱ्या मजल्यावरतीच यावं लागेल. दुसऱ्या मजल्यावर जेव्हा विरालीला घेऊन जात होते तेव्हा सगळ्यांच्याच मनात भीती होती. व्हीलचेअर सकट तिला वर घेऊन जाणं हे सोपं नव्हतं असं विरालीचे पती क्षितिज नायक म्हणतात. वस्ती तो शादी था, शादी का दिन तो सबके लिए एक बड़ा दिन रहता है, एक पूरा हैप्पीनेस वाला दिन रहता है. बट वो दो फ्लोर्स ऊपर लेके जाना और वापस नीचे लेके आना, मतलब बहुत डिफिकल्ट था. और चलो, विराली को 3-4-5 स्टेप तक उठा के लेके गए हैं, बट पूरा दो फ्लोर ऐसा लेके जाना वॉज लाइक डिफिकल्ट. चार लोग मिलके भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे. स्टेप्स भी बहुत ऐसे नहीं थे कि हाइट में एकदम डिसेंट थे, थोड़ा हाइट ज़्यादा थी. रेलिंग्स बहुत शेकी थे. उसके अलावा स्टेयरकेस भी थोड़ा नैरो था. तो मतलब ऐसा था कि एकदम कॉम्पैक्ट जगह में हमको विराली को ऊपर लेके जाना और नीचे लेके आना था दो फ्लोर्स के लिए. तो एवरी स्टेप जो हम ऊपर जा रहे थे या नीचे आ रहे थे, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा था. मतलब मैं तो भूल ही गया मेरा शादी हो रहा है. मेरे दिमाग में यही चीज़ घूम रहा था कि बस कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए. चार में से एक जन का भी पैर फिसला तो पूरा डिजास्टर हो जाता था. मेरे दिमाग में वही था, बस ऊपर जाए और नीचे आ जाए शादी करके एक बार. घडलेला प्रकार विरालीने सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली. खरं तर अपंगांना सोयी सुविधा नसल्याने गैरसोय होत असल्याचा हा विरालीचा पहिलाच अनुभव नाही.
याआधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. घराबाहेर पडल्यानंतर अशा अनेक घटना तिच्यासोबत घडल्यात. जेव्हा जेव्हा विरालीला वाईट अनुभव आले तेव्हा तेव्हा तिने त्याच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. इतर दिव्यांगांना असे वाईट अनुभव येऊ नये म्हणून ती नेहमीच प्रयत्नशील असते. अशा घटना पुन्हा घडू नये म्हणून खार रजिस्ट्रार कार्यालयात आणि इतर कार्यालयात काय उपाययोजना केल्या जातील हे पाहावं लागेल. सीमा आढे, लोकमत डिजिटल, मुंबई.